रेडियो चैन पर देसी ते देश दुनिया दीआं खबरां लैके गगनदीप हाजिर है। सब तो पहला नजर मारदे आं अज दीआं मुख्य खबरां ते। पोल दे विच दावा, चोणां दे विच अर्डन दे दूजी वार जित्तण दी पूरी संभावना। इजराइल नेतानयाहू खिलाफ प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियां ने तोड़े नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब समेत 7 सूबिआं दे मुख्यमंत्रियां दे नाल भलके करनगे अहम मुद्दिआं ते चर्चा। खेतीबाड़ी बिलां नूं राज्यसभा दे विच बिना वोट वंड दे करवाया गया पास, केजरीवाल। सोधे हुए एपीएमसी एक्ट नूं रद्द करन दे लई विधानसभा दा विशेष इजलास सद्दन मुख्यमंत्री सुखबीर बादल। किसान अते होर संघर्षशील जथेबंदियां खड़ियां हुईयां टोल वर्करां दे हक विच, मैनेजमेंट विरुद्ध कीती नारेबाजी। हुण खबरां विस्थार नाल। न्यूजीलैंड नाल संबंधित वेलिंगटन तों आई इस खबर दे अनुसार एक नवें ओपीनियन पोल तों इह संकेत मिलदा है कि न्यूजीलैंड दी प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन अगले महीने होण वालियां चोणां दे विच दूजे वार कार्यकाल दे लई जित हासिल करन दे लई तैयार है। उधर अर्डन ने मंगलवार नूं कहा है कि उह कुछ भी नहीं मन रही है। एक खबर के मुताबिक कोलमार ब्रैटन पोल ने अर्डन के उदारवादी लिबर पार्टी के लिए 48% हमायत की, जदों की विरोधी धिर के नेता जुडिथ कोल्स की अगवाई दे विच कंजरवेटिव नैशनल पार्टी की हमायत 31% सी। जुडिथ के लिए 18% के मुकाबले पसंदीदा प्रधानमंत्री वजो अर्डन का समर्थन 54% ज्यादा सी। न्यूजीलैंड की अनुपातक वोटिंग प्रणाली के तहत वड्डियां पार्टियां आमतौर पर शासन करने के लिए छोटियां पार्टियां के नाल गठजोड़ बनाउंदियां ने। 6 महीने पहला कोरोना वायरस दे सरकार लई परेशानी पैदा करन वाला मुद्दा बनन तों बाद अर्डन दी प्रसिद्धि वध गई है। वायरस नूं खत्म करन दी कोशिश करन दी उस दी पहुंच नूं व्यापक तौर ते सफल मन्निया गया है। इजराइल नाल संबंधित यरूशलम तों आई इस खबर दे अनुसार इजराइल दे विच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे खिलाफ एतवार नूं मध्य यरूशलम दे विच उहनां दी सरकारी रहायश दे बाहर एक बार फिर तों हजारां लोकां ने प्रदर्शन कीता। इजराइल दे वणज केंद्र तेल अवीव नेड़े स्थित बनेई ब्राक नगर दे विच प्रदर्शनकारी सड़कां उत्ते उतरे अते जनतक प्रार्थनावां ते पाबंदियां दे खिलाफ कूड़ा साड़िया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियां ने सामाजिक दूरी दे नियमां नूं वी तोड़िया। जिक्रयोग है कि पूरे देश दे विच एक नवां लॉकडाउन आदेश लागू किया गया है, जिसका उद्देश देश दे विच कोरोना वायरस दे वधदे मामलियां ते लगाम कसनी है। प्रदर्शनकारियां दी मंग है कि नेतानयाहू अपने अहुदे तों अस्तीफा दे देण, क्योंकि उहनां दे खिलाफ भ्रष्टाचार दे दोषां दे विच सुनवाई चल रही है। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तों आई इस खबर दे अनुसार देश दे विच कोरोना वायरस महामारी दे वधदे कहर दे दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार नूं कोरोना वायरस दे सब तों वधेरे मामलियां वाले 7 सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां दे मुख्यमंत्रियां दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए चर्चा करनगे। प्रधानमंत्री जिन्हां सूबिआं दे नेतावां दे नाल गल करनगे उहनां दे विच महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रा प्रदेश अते पंजाब शामिल ने। दस दिए कि देश दे विच कोरोना वायरस दे 63% केस इन्हां 7 सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां तों ने। इस तों इलावा कुल पुष्टि कीते गए मामलियां दा 65.5% अते कुल मौतां दा 77% इन्हां ही सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां तों है। पंजाब ते दिल्ली दे विच हाल ही विच कुछ मामलियां दी गिणती दे विच काफ़ी तेजी नाल वाधा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब ते दिल्ली दे विच मृतकां दी गिणती भी काफ़ी वधी है। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तों आई इस खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि खतरनाक खेतीबाड़ी बिलों को राज्यसभा दे विच बिना वोट वंड दे पास करवाया गया है। इस दे नाल ही केजरीवाल ने 8 मुअत्तल किए गए संसद मैंबरों की शलाघा की है। संसद के उच्च सदन दे विच खेतीबाड़ी बिल पास होने दौरान बदसलूकी करने के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत राज्यसभा के 8 मैंबरों को मानसून सैशन की बाकी म्याद के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इस तों इलावा तृणमूल के डेरेक ओब्राइन, कांग्रेस के राजीव सातव, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के एके करीम, के रागेश, कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन, रिपुन बोरेन, तृणमूल के डोडा सेन मुअत्तल किया गया। केजरीवाल ने कहा है कि यह 8 संसद मैंबर संसद कॉम्पलैक्स के गर्मी, मच्छर और होर असहूलतों की परवाह न करते हुए किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि वह अपने लिए कुछ नहीं मंग रहे, वह जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ APMC ਐਕਟ 2917 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਵੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ TCIL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।